हाय फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको देसी स्टाइल में अपन गोभी का पराठा कैसे बनाते हैं बताऊंगी। उसके लिए एक साफ़ गोभी ले लें आप। गोभी को धुल के उसको अच्छे से ग्रेट कर लें। ग्रेट करने में इतना ध्यान रखें कि कोई बड़ा टुकड़ा ना हो। बड़ा टुकड़ा हो तो उसको उठा के आप बाहर कर दें। गोभी ग्रेट करने के बाद आप देखेंगे कि उसमें गोभी ने पानी छोड़ा हुआ, तो उसको हल्के हाथों से दबा के या कॉटन के कपड़ों में रख के पानी पूरा निचोड़ लें। उसके बाद गोभी को रखें, नहीं तो पराठा बेलते नहीं बनेगा। फिर उसके बाद हमने इसमें डाली हरे लहसुन की पत्ती। लहसुन की पत्ती टेस्ट बहुत अच्छा लाती है। उसके बाद डालेंगे हरी वो अदरक ग्रेट किया हुआ, फिर हरी मिर्च डालेंगे, फिर ये एकदम बारीक कटी हुई प्याज। प्याज से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद ये है सारे पराठों की जान, हरी धनिया। हरी धनिया के बाद हम लोग मसाले ऐड करेंगे। उसके बाद साबुत लाल मिर्च भून के थोड़े सौंधेपन के लिए हमने ये डाला हुआ है, जैसे थोड़ा टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है साबुत लाल मिर्च अगर भून के आप डालिए तो। इसके बाद हल्दी डालना है हम लोग। ये है धनिया, धनिया पाउडर है, ये धनिया पाउडर ही है। ये अजवाइन है, आप ठीक से दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये अजवाइन है। हाँ, हल्का हाथों से क्रश करके डालिए। फिर जीरा भी हाँ थोड़ा हाथों से क्रश करके डालिए। फिर इसको अच्छे से मिला दीजिए। फ्रेंड्स, मैंने नमक पहले नहीं डाला है। नमक डाल देंगे तो गोभी पानी छोड़ देगा। नमक बनाते टाइम डालेंगे हम लोग। इसको अच्छे से एकदम मिक्स कर लीजिए, सारे मसाले एक में मिल जाएं। ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मम्मी आटा लगा रही हैं। आटा गीला नहीं, ज़्यादा वो आटा ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, हल्का सा गीला गीला ही होना चाहिए। इसको अच्छे से पीट पीट के गूँथ लें, फिर हल्का सा तेल लगा के 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दें। ये देखिए थोड़े थोड़े में नमक मिलाते रहेंगे और बनाते रहेंगे। अगर सारे में नमक मिला देंगे तो पानी छोड़ देगा। ये देखो मम्मी स्टफिंग कर रही हैं। इसको एकदम हल्के हाथों से घुमा घुमा के स्टफिंग करना होता है, नहीं तो गोभी का पराठा फूट जाएगा। देखिए फिर कैसे तैयार होता है। हल्के हाथों से बेलेंगे भी, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं बेलना है इसको, नहीं तुरंत फूट जाएगा। उसके बाद बनेगा हमारा गर्मा गर्म गोभी का पराठा, जो कि खाने में वास्तव में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। देखिए कैसे फूल रहा है। ये देखिए हमारा गोभी का पराठा बनके एकदम तैयार है। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।